हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम चुकंदर बीट रूट के पत्तों से आपको ये सब्जी बनाना बता रहे हैं। इसके लिए मैंने ये बीट रूट के पत्तों को अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। फ्रेश पत्ते हैं, चार बीट रूट के पत्ते हमने लिए हैं। तीन मीडियम साइज के प्याज को मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है। आठ के करीब लहसुन की कलियां हैं, आधा चम्मच जीरा है, लहसुन कलियों को भी हमने काट लिया है। एक चम्मच धनिया पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार है, 2 पिंच हल्दी है, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते तो, और 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हमने लिया है गरम मसाला। तो ये टेस्टी टेस्टी सब्जी हम बनाने जा रहे हैं। और लिया है हमने 2 टीस्पून ऑयल। बहुत कम समय में, बहुत कम ऑयल में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए ये चार बीटरूट हैं जिनको हमने यहां से काट लिया है अच्छे से। ये देखिए, काट कर अच्छे से इनको पत्तों को साफ कर लिया। इनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, बीटरूट को हम यूज नहीं करेंगे, केवल उसकी लीव से ये सब्जी बनाएंगे। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैं काटना आपको बता दूं कि स्टेम्स को ऐसे हम बारीक बारीक काटेंगे और सॉफ्ट हैं ये, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है कि पक गई हैं। अगर आपको लगता है इसमें रेशे है तो जैसे हम साग का निकालते हैं ना, सरसों का निकालते हैं, तो आप उस तरीके से निकाल दीजिए, अदरवाइज ये बहुत अच्छे से गल जाती हैं। इस तरह से हम इसके सारे ये काट लेंगे। अब जो पत्ते रह गए हैं या सॉफ्ट वाली स्टेम रह गई है वो हम इसमें काट लेंगे। अलग मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि हम पहले उसको स्टेम को गलाएंगे और फिर बाद में पत्ते डालेंगे। तो ये है तरीका इसको काटने का। आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, हमने जो स्टेम्स है ना इनकी, इनको जो स्टेम्स है रेड वाली, इनको हमने अलग से काट लिया है क्योंकि मैं इसको पहले पकाने वाली हूं। और ये हैं पत्ते जो हमने बारीक काट लिए हैं, जैसे आप साग काटते हैं सरसों का, पालक का, उसी तरह से। और देखिए कितने खूबसूरत हैं, इसमें रेड कलर है, इसमें ग्रीन कलर है। तो ये सब्जी आपको बहुत टेस्टी लगने वाली है। इस तरह से हम फाइनली कट कर लेंगे। और ऐसा नहीं है कि स्टेम्स खाने में अच्छी नहीं लगती या पकते नहीं है, बस आप फ्रेश लीजिए। अगर आप फ्रेश लेंगे तो बहुत अच्छी सब्जी बनेगी। हैवी बॉटम पैन में मैंने 2 चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें मैंने जीरा डाल के देखा है, तेल जो है वो हमारा गरम हो गया है। अब मैं डाल रही हूं इसमें जीरा और लहसुन और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। धीमी आंच पर हम इसको भूनेंगे, ज्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है। लहसुन भुन गया है, अब हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज और इसको भी मिक्स करेंगे। प्याज को भी हमें मीठा रहने देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। लाइक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। आप देख सकते हैं प्याज को हमें बस ट्रांसलूसेंट करना है, ठीक है ना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ये नमक, हल्दी और धनिया, रेड चिली पाउडर सब कुछ डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसी के साथ हम इसमें अब ये जो स्टेम्स कटी हैं इसकी, इनको डाल देंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर ये लग रहा है। और इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल रही हूं। आप नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। मैंने ये पैन यूज किया है ताकि आपको ये कलर जो है वो बहुत अच्छे से दिखा सकूं मैं। प्याज मैंने इसलिए डाला है ज्यादा क्योंकि ये सब्जी बहुत थोड़ी हो जाती है, पत्ते की सब्जी ना बहुत थोड़ी बनती है और ये मीठा मीठा प्याज इसमें बहुत अच्छा लगता है। आलू भी आप यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर हेल्दी खाना है तो आप इस तरीके से खाइए। आप दाल बना लीजिए एक और उसके साथ ये पत्तेदार सब्जी खाइए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा। 1 मिनट हमने इसको अच्छे से भून लिया है, अब हम इसको ढककर पकाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और देखिए इसमें जो भाप का पानी होता है ना, इसी में ये पकता है। ये देखिए, आप चाहें तो पानी का छींटा भी इसमें लगा सकते हैं। हम इसको चेक कर लेंगे, जब ये हल्का गल जाएगा तब हम इसमें पत्ते डालेंगे। देखिए बहुत बढ़िया, प्याज पर भी ये कलर आ गया है। बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनने वाली है, अगर आपने नहीं बनाई है तो जरूर ट्राई कीजिएगा।
तो आइए चेक करते हैं। ये बहुत अच्छे से गल गई है। इस समय अब हम इसमें डाल देंगे ये पत्तियां जो हमने काट के रखी हैं। अब इसको हम करेंगे मिक्स। पत्तियों में भी थोड़ा पानी है तो ये अच्छे से जो है गल जाती है। देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। और इसको फिर से थोड़ी देर हम भून के इसको ढक के पकाएंगे। नमक आप पहले कम ही डालिएगा, बाद में टेस्ट कीजिएगा। तो इसको कवर करते हैं। अब देखिए ये सब्जी जो है श्रिंक होना शुरू हो गई है। दिख रहा है ना, पत्ते और ये सब मिक्स होना शुरू हो गए हैं और नीचे से लगी भी नहीं है। आपको दिखाऊं पूरा, हल्का सा ढक के हम और बिल्कुल स्लो गैस पर हम इसको पकाएंगे। बार बार हमें नहीं चलाना है, ढककर पकाना है और चेक करते रहें कि नीचे लगे नहीं, अदरवाइज पानी का छींटा आप दे सकते हैं। और ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे थोड़ा गरम मसाला और इसको करेंगे मिक्स। एक मिनट के लिए हम इसको सुखाएंगे। ये देखिए आप यहाँ टेस्ट करके देख लीजिए, नमक कम ज्यादा है तो उसको एडजस्ट कर लीजिए। मिर्च जैसी चाहिए, हरी मिर्च खाते हैं तो वो डाल दीजिए और बिल्कुल अच्छे से गल जाए। खाकर देखें, मतलब हमारा है कि गल जाए अच्छे से। तो इसको एक मिनट भूनने के बाद हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। है ना यमी सी सब्जी तैयार। और ये देखिए सुखाने के बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून किचन किंग भी डाला है। अब इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए तैयार है यमी सी लगने वाली सब्जी। ये है बीटरूट के पत्तों की सब्जी, मीठा मीठा प्याज है और बहुत ही यमी है। जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।